चलो। हेलो, खाना खा रहे हो? सो गाइस, हम जा रहे हैं माउंट आबू और अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है, बट यस माउंट आबू जाना है। सो निकल चुके हैं, शायद 200 किलोमीटर समथिंग है, बट जस्ट अभी स्टार्ट किया है। सो 5 बजे तो अभी फिलहाल हम पहुँचे मैसाणा। तो 60 किलोमीटर हमने कवर कर लिए, 60, और थोड़ा सा ट्रैफिक है। ट्रैफिक मतलब चलाना थोड़ा तो सही नहीं लगा, और अभी मैसाणा की वादियों में। हेलो, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल। हमने 68 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, अभी बाकी है 158 किलोमीटर और ये प्यारा सा सनराइज होता हुआ। तो गाइस अगेन आपको एक खाने पीते घर का ट्रक मिल गया है, सो आप देख सकते हो। सो ये लोग तो पता नहीं है। सो गाइस यही वो बंदा है जो नरोड़ा बापनगर से GJ27। सो बंदा फुल प्रूफ माउंटेन करने के लिए निकला है, लेकिन वो ना तो अच्छे शूज़ पहने हैं और चढ़ा पहन के निकला है, दूसरा ना हेलमेट अच्छा है। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप ऐसे आते हो पूरी तैयारी के साथ निकल रहे हो, तो एटलीस्ट थोड़ा पैसा खर्च करके अच्छे गियर अप ले लो, आपकी सेफ्टी के लिए, दूसरे के लिए नहीं। चलो तो फाइनली ब्रेक हो गया है, और ये जो भाई है वो अदानी संतग्राम में रहते हैं, एक रहते हैं तो आप तो बहुत सारे लोग हैं, राजस्थान से भी बिलोंग करते हैं, और अभी वो जा रहे हैं गाँव, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो धीरे सब तो बता ही जा रहा है, तो सो फार सो गुड। चलो अभी ब्रेक हो गए तो अभी निकलते। हेलो, खाना खा रहे हो? सो गाइस फाइनली वी आर रीच राजस्थान बॉर्डर।
गाइस, तो अभी हम है राजस्थान में, ऑफिशियली एंटर हो चुके हैं। सो मिलते हैं माउंट आबू में। तो यहाँ हमारा स्वागत खड्डे के साथ हुआ, ये खड्डे बहुत है। तो भाई, अभी आप जो वीडियो देख रहे थे, हम रास्ता भूल चुके थे। सो फाइनली गूगल बाबा और वहाँ के लोग की हेल्प लेके अभी सही रास्ते पे चढ़े हैं। सो प्यारा सी बिना पानी की रिवर और मेरे सामने जस्ट माउंट आबू। अभी यहाँ एक्सीडेंट होते होते रह गया, तो यार अगर बस आप होता तो इनको लंबा टेंशन है। और यहाँ नहर हो रहा है जस्ट अभी हो गया सही ब्रेकिंग। तो तो अभी कैसे नहीं यह है कि हम अभी जा रहे हैं नकुलग और ये फोटो बहुत मजा है। फोटोग्राफी चल रही है गुरु। नेकलेक वैसे के वैसा है, बस सिर्फ पानी बड़ा है और कुछ है नहीं भाई। कुछ देखने लायक तो है नहीं, व्यू अच्छा है, हमें वेदर बहुत अच्छा, लेकिन अपनी बैटरी हो गई लो, कैपेसिटी नहीं है ना। बन
हेलो 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 हेलो। तो अभी हमारी तबीयत लूड़ हो चुकी है और गाइज अभी क्या बताऊँ, बिकॉज इसमें बहुत सारा इश्यू आया है अभी। सो फिलहाल कुछ देखते हैं क्या है, क्योंकि माइक में कुछ तो इश्यू है, वॉइस नहीं आ रहा है। तो लट से और हवा लग चुकी है अबू की ऊपर की, तो जुकाम हो गया है, उसकी वजह से बीमार थे और ठीक हुए। अभी अबू आए फिर से बीमार, सो लट से। और अच्छा सा ढलान, तो अभी हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट, और इसकी स्टोरेज बहुत कम है, सो स्टोरेज मेंटेन भी करना पड़ेगा अभी। तो देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके क्लियर भी करना पड़ेगा। अभी जस्ट ठीक हुए थे और अगेन बीमार, पर ठीक है। अभी क्या होटल विनायक, आप 999 में रूम दे रहे हो, हमने 1500 में लिया, पर हमारे यहाँ गार्डन मिल रहा है। सो हमने गार्डन का घूमने का पे किया है, बट किया है। ठंडी लग रही है अभी भी। टेंपल व्यू देखो, तो बाइक वहां पार्क करनी पड़ती नेचर की वॉइस सुनो आप सिर्फ शांति से। वाओ व्हाट अ व्यू। तो गोप्रो में आपको शायद अच्छे से नहीं दिखेगा, बिकॉज थोड़ा ब्लिंकिंग होगा, बट यार सो एलिगेंट। तो भाई माउंट आबू में ठंडी एक्शन लेवल की है, जैसे आप गानी वानी बनते जैसे ठंडी अभी फील हो रही है, तो आपसे बात ही नहीं हो। कारीगर लो कर पाओगे वीडियो में। और गुलाब गुलाबी फूल और प्यारा सा सनसेट देख भाई, वाव। सो यू कैन सी ग्रेट बॉडी। अब जैसे नहीं कर पाओगे, वाक फील आ रहा है बस। आई लव माउंट आबू, आई लव माउंट आबू। सो ब्यूटीफुल सा व्यू, इग्नोर इट एंजॉय। तो अभी सनसेट टाइमलेस में लिया है, आपको रील्स में दिखने को मिलेगा, बाकी सब आप देख सकते हो। व्लॉग में उतना कुछ बना नहीं पाया, क्योंकि यहाँ का वेदर में थोड़ा सा ठीक हुआ था, वापस वही का वही हो गया है। सो यू कैन सी माउंट आबू लाइटिंग।
स्लो पे बाइक चल।